बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज हम बनाएंगे काली मिर्चों वाली कढ़ाई लैम के गोश्त के साथ। तो चलिए आइए चीज़ें नोट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास लैम के शोल्डर का गोश्त है, मेरे पास 1.5 पाउंड। 3 मेरे पास दरमियानी साइज़ के अनियन थे जिनको मैंने काट लिया है। धनिया पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून। ये मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं जो हमें चाहिए होंगी 1 टेबलस्पून, जिनको हम पीस लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास है पिसा हुआ जिंजर 1 टीस्पून और पिसा हुआ गार्लिक 1 टीस्पून। और फिर हमें चाहिए होगा गोश्त के अंदर डालने के लिए, ये 4 मेरे पास लहसुन के जवे थे और थोड़ा सा पीस मेरे पास अदरक का था जिनको ऐसे मैंने काट लिया था। और 1 टीस्पून ही हमें ज़ीरे का चाहिए, 1/2 कप योगर्ट का चाहिए, 1/2 कप ही हमें ऑयल का चाहिए, थोड़ा सा हमें धनिया चाहिए होगा और ये मेरे पास 4 हरी मिर्चें हैं जिनको हम काट लेंगे बाद में। पानी हमें चाहिए होगा 2 कप। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। गोश्त को ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें अपने जो अनियन है उसको ऐड करेंगे और इसमें ये जो हमारे पास गार्लिक और जिंजर थोड़ा सा हमने रखा था। जब हम गार्लिक और जिंजर को थोड़े से को ऐड कर लेते हैं फिर गोश्त की जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो नहीं रहती। सॉल्ट भी ऐड कर देंगे और ये जो हमारे पास हल्दी है इसको भी ऐड कर लेंगे। दो कप पानी भी ऐड कर देंगे। पानी आप थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं लेकिन हमने अपने गोश्त को गलाना है इसलिए हमें पानी जो है ना उसको ज़रूरी ऐड करना है। धनिए को भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन गोश्त को गलने के लिए मुझे 40 मिनट चाहिए होते हैं। 40 मिनट तक के लिए हम लिड को बंद कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे। हमारे गोश्त को गलते हुए 40 मिनट्स हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं। पानी भी खुश्क हो गया है और माशाल्लाह गोश्त भी हमारा गल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमारे पास 1/2 कप ऑयल है इसको ऐड कर देंगे। ये जो हमारे पास गार्लिक जिंजर था अब इसको भी ऐड कर देंगे। पहले हमने थोड़ा सा ही गार्लिक जिंजर लिया था जब हम अपने गोश्त को गला रहे थे। ऐसा करने से जो गोश्त के कच्चेपन की स्मेल होती है ना वो चली जाती है। ज़ीरा भी ऐड कर रहे हैं। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और भूनते जाएंगे। तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसी तरह हमारे गोश्त को भूनना है। अब हम अपनी जो काली मिर्चें हमने पीसी हैं इसको भी डाल देंगे। फ्रेश पीसी हुई काली मिर्चों की बात ही कुछ और होती है, इतनी अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। अब ये जो हमारे पास दही था इसको ऐड कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास हरी मिर्चें थी इनको भी मैंने बारीक काट लिया है ये भी डाल देंगे। 4 थी मेरे पास, 2 मैं अब डाल रही हूँ, 2 मैंने गार्निश के लिए रखी है। कढ़ाई बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ गोश्त को गलाने की ही देर होती है, फिर तो झटपट ही बन जाती है।
अगर आप चाहें तो गोश्त को जल्दी में गलाना चाहें तो आप प्रेशर कुकर में भी गला लीजिएगा। अब हम गरम मसाले को भी ऐड कर लेंगे। और साथ ही हम ये हमारे पास जो धनिया था इसको भी ऐड कर लेते हैं। मज़ेदार सी हमारी ये काली मिर्चों वाली लैम की कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और डिश आउट करते हैं। अब माशाल्लाह हमारी काली मिर्चों वाली लैम की कढ़ाई बनके तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और अगर घर में हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी खाकर इसको बहुत ही माशाल्लाह एंजॉय करेंगे, उनको भी ये कढ़ाई बहुत पसंद आएगी। आप भी बनाएं, ख़ुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी एंजॉय करवाएं। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।